हेलो दोस्तों नमस्कार मैं विरध आप लोगों का स्वागत करता हूं सिलेक्शन मेंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि रिलेटेड है आपके ऐसे राइटिंग से जो निबंध लेखन की प्रक्रिया उससे और यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन निबंध आपके सामने है भारत में नई शिक्षा नीति करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने की इसकी काफ़ी हद तक संभावना है बड़ी उच्च संभावना है इस इसको एग्ज़ाम में आने की तो नई शिक्षा नीति आप समझ ही रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया और मंत्रिमंडल के द्वारा इसको पारित भी किया गया 29 जुलाई वर्ष 2000 को 29 जुलाई यहां पर डेट मैं आपको लिख दे रहा हूं कि मंत्रिमंडल द्वारा इसे कब पास किया गया है नई शिक्षा नीति को हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी या शॉर्ट में एन के रूप में जानते हैं इसको ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी को पास किया गया है और इसके कई सारे प्रोविजंस हैं जो लास्ट यानी कि पिछली जो करीब 34 वर्ष पुरानी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुआ करती थी जिसको हम लोग बोलते थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष उन्नीस इसको जो है वो रिप्लेस करने का काम करेगी ये नई वाली जो पॉलिसी है तो दोस्तों चलिए इसके बारे में जानते हैं और इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर लीजिए सभी लोग इसका लिंक जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ठीक है इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें इतना ज़रूर करिएगा चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं ये समझते हैं कि नई जो शिक्षा दीती है ये वाली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसको हम कह सकते हैं इसके सबसे पहले तो विज़न को समझते हैं इसका विज़न ये है कि भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही साथ जो सभी उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करे और साथ ही साथ भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाकर जीवंत और न्याय संगत ज्ञान और समाज में को भारत के रूप में प्रदर्शित करने का आ, मौका दे और भारत का योगदान मतलब उसमें रहे यानी वैश्विक महाशक्ति बनने का एक लक्ष्य रखा गया है अगर हम देखा जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए अब इसमें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं किस तरीके से हमें शिक्षा को की नीति को आ, समझना चाहिए किस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए इसको हम लोग समझेंगे ज़रूर लेकिन क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी है तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एक पॉइंट समझना ज़रूरी है और वो पॉइंट ये है कि शिक्षा क्या है शिक्षा नीति तो हम तभी समझेंगे जब हमें ये पता चले कि एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन होता क्या है शिक्षा क्या आता है तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीख शिक्षा सीख से ही बना हुआ है या यूँ कह सकते हैं शिक्षा से ही सीख शब्द आता है अब सीख में दो क्रियाएँ हैं एक सीखने की क्रिया है और एक सिखाने की क्रिया है तो सीखने और सिखाने दोनों की क्रिया को शिक्षा के अंतर्गत रखा जा सकता है मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ तो ये भी शिक्षा है आप शिक्षा पा रहे हैं तो यह भी शिक्षा के अंतर्गत आता है ठीक है अब अगर हम यहां पर देखते हैं तो इसके ऐसा नहीं है कि केवल यही एक अर्थ है इसके दूसरे अर्थ भी हैं इसके दूसरे व्यापक अर्थ भी हैं और व्यापक अर्थ में आप देख सकते हैं यहां पर पॉइंट लिखा है शिक्षा वह सतत प्रक्रिया है जिससे जिससे व्यक्ति देश एवं समाज में सभ्यता का विकास संभव है और इसके द्वारा ज्ञान और कौशल में वृद्धि करके मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है तो अब देखिए जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो किसी चीज़ को कितना अच्छे से एलोब्रेट कर सकते हैं कितना अच्छे से बता सकते हैं ये आपके ऊपर है और कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करके इनको लिखा जा सकता है जैसे मैंने यहाँ पर आपको कुछ करके दिखाने का प्रयास किया है बताने का प्रयास किया है वास्तविक रूप में केवल शिक्षा को यहीं तक डिफाइन नहीं किया सकता है इसको बहुत ज़्यादा मैंने पहले ही बताया कि व्यापक अर्थ हैं इसके तो ऑब्वियस ही बात है आप इसको विभिन्न तरीक़ों से आप पूरा कर सकते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट है महत्वपूर्ण जो बात है वो नई शिक्षा नीति की वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है और आपको मालूम है कि ये जो शिक्षा नीति है इसको सुधारना कितना आवश्यक हो गया था क्योंकि चौंतीस साल के आसपास का समय हो गया था इस पर किसी प्रकार की रेगुलेशन्स आए हुए या किसी प्रकार के इससे इसको रिन्यू किए हुए पर ये कितना कारगर होगी या कितना कारगर नहीं होगी ये तो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कुछ लोगों के यहाँ पर और विचार लिखे हुए हैं जैसे गांधी जी का विचार लिखा हुआ है शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा है कि बालक और मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास होना ही शिक्षित होना या शिक्षा का अर्थ है तो शिक्षा का अर्थ तभी निकलेगा जब किसी व्यक्ति या बालक का मतलब किसी भी छोटे बच्चे से है पुरुष वर्ग से ही नहीं दोनों बच्चों के लिए है ठीक है तो बालक और मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास हो जिससे कि वो समाज में अपना एक उच्च स्थान पा सके जो उसके लिए जो उसकी डिग्निटी है वो उसको मेंटेन कर सके उन सब चीज़ों को ठीक है वो देख सके तो शिक्षा का ये अर्थ महात्मा गांधी जी ने निकाला है तो क्या नई एजुकेशन पॉलिसी गांधी जी के इस विचार को जस्टिफाई करती है या नहीं करती है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके बारे में थोड़े बहुत पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि इसमें इसको एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसका जो प्रारूप बनाया गया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी का जो प्रारूप बना हुआ है ये बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है और इन ये इसरो के रिटायर्ड जो हैं अध्यक्ष हैं या पूर्व अध्यक्ष हैं इसरो के पूर्व अध्यक्ष जिनका नाम है डॉक्टर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कस्तूरी रंगन तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इसी समिति के गठन इसी समिति की अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर कस्तूरी रंगन जिन्होंने इसका जो है वो ड्राफ्ट तैयार किया है कि किस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए और इसमें कई प्रकार की चीजें हैं जैसे 2015 भारत वर्ष जो है वो 2015 में जितने भी जो शैक्षिक नीतियां हैं उनका लक्ष्य बढ़ाते हुए 2030 तक का शैक्षिक लक्ष्य रख रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही इसमें जो है कुछ चेंजेस यहां पर किए गए हैं अब कुछ चेंजेस जो किए गए हैं वो किस प्रकार से हैं उसको वन बाय वन अगर समझा जाए तो एक पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधानों के तहत नई शिक्षा नीति में फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर की व्यवस्था वाले शैक्षिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है और अभी तक जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो हमारी टेन प्लस टू वाली थी तो इसको हम लोग नॉर्मली टेन प्लस टू बोलते थे और अब जो है उसको फाइव थ्री थ्री फोर के रूप में जानेंगे और इसमें जो शामिल हैं लोग वो तीन से अट्ठारह वर्ष तक की आयु के सारे बच्चों को इसमें शामिल किया गया है ठीक है तीन से अट्ठारह वर्ष तक के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है जबकि पिछली जो पॉलिसी थी वो छः से लेकर के अट्ठारह वर्ष तक के बच्चों के लिए थी अब ये तीन से अट्ठारह वर्ष तक के बच्चों के लिए शामिल इसको किया गया तो है तो पॉलिसीज ऐसी बनाई गई हैं कि बच्चों को जो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो उसकी अवधारणात्मक समझ है वो विकसित किया जा सके रटने वाली जो पद्धति है उसको समाप्त करने की बात यहाँ पर पढ़ाई से हटाने की बात करी गई कि तार्किक रूप में अगर कोई व्यक्ति अगर पढ़ रहा है तो वो पढ़ाई का सच्चा महत्व है उसका अदरवाइज रटने वाली क्रिया में पढ़ाई का कोई विशेष महत्व नहीं है भाषा है सीखने की कला है संस्कृति को बढ़ावा है तो ये सब चीज़ों को यहाँ पर देखा जाए तो डेवलप करने का प्रयास किया गया है इस स्कूली शिक्षा नीति से इसका प्रसार किस तरीके से है ये 5334 की जो नीति है इसका प्रसार किस तरीके से है इसको समझ लेते हैं इसमें सबसे पहले पाँच वर्ष जो है प्रथम पाँच वर्ष जो है वो आपको आ, फाउंडेशन स्टेज में मिलेंगे प्रथम पाँच वर्ष अब वो किस तरीके से मिल रहे हैं जिसमें से तीन साल का प्री प्राइमरी स्कूल रहेगा तीन साल का आपका प्री प्राइमरी हो गया और फिर उसके बाद ग्रेड वन ग्रेड टू शामिल होंगे यानी कि आप इसको कह सकते हैं तीन साल का प्री प्राइमरी और फिर क्लास वन क्लास टू जिसको हम बोलते हैं तो उसको ग्रेड वन ग्रेड टू करके हम बोल रहे हैं ठीक है तो एक तो आपका प्री प्राइमरी स्टेज हो गया देन उसके बाद ग्रेड वन एंड ग्रेड टू दूसरा जो है तीन वर्ष का प्रिपरेटरी स्टेज रहेगा प्रिपरेटरी स्टेज में ग्रेड थ्री फोर और फाइव शामिल होंगे या आप इसको नॉर्मली क्लास समझ सकते हैं इसको ग्रेड का नाम यहाँ पर दिया गया है थ्री फोर फाइव शामिल लेंगे उसके बाद तीन वर्ष का आ, ए, कह सकते हैं उच्च माध्यमिक चरण होगा और उच्च माध्यमिक चरण में छः सात और आठ शामिल होंगे और उसके बाद चार वर्ष का उच्च या उच्चतम माध्यमिक चरण जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर उच्चतम लिखना चाहिए था या मध्य उच्च है यहाँ पर उच्चतम होना चाहिए था ठीक है उच्चतम माध्यमिक चरण मिलेगा जिसमें ग्रेड नौ दस ग्यारह और बारह शामिल हैं तो अब आप देखिए जो यहाँ पर नीति लगाई गई थी फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर तो आपको यहाँ पर दिख रही है ये है आपका फाइव एक मिनट ये यह आपका यहाँ पर ये यह फाइव है ये थ्री है ये थ्री है और ये फोर है तो यही फाइव थ्री थ्री फोर यही प्रणाली है कई लोगों को ये समझ में नहीं आती है फाइव थ्री थ्री फोर प्रणाली क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर बड़ी आसानी से बताया है और शायद आपको समझ में भी आया होगा इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये 5334 वाली जो पॉलिसी है ये तो है ही है इसमें इसके अलावा भी तमाम सारे चेंजेस करने की यहाँ पर बात करी गई है जैसे कि नई शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रखना है कि मानव संसाधन संसाधन एवं विकास मंत्रालय जो है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय इसका नाम बदल दिया गया है और इसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है इसका नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय ठीक है तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बुनियादी साक्षरता मिशन यानी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन बनाया जाएगा जिसे नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेरी लिटरेरी एंड न्यूमरेसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है अब देखिए इसका इसका कारण क्या है यहाँ पर uh, इसका कारण ये है कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि जो भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं जो भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसका हमारे नैतिक और सामाजिक और मौलिक जीवन में उसका कहीं ना कहीं कुछ उद्देश्य और उसका इस्तेमाल होना चाहिए तभी तो शिक्षा का कोई अर्थ है अदरवाइज तो कोई अर्थ नहीं है हमको बचपन से संज्ञा की परिभाषा सिखाई जाती है ठीक है और आ, मतलब एक हमारी ख्याल से आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे इस बात को कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग राइट दिस इज़ द डेफिनेशन जो हम लोगों ने भी पढ़ी है जो हमारे माता पिता ने ही पढ़ी होगी संभवता अगर पढ़ी होगी तो हमारे दादा दादी ने भी पढ़ी होगी और आगे आने ली पीढ़ी जो है इस तरीके की मतलब इसको रटंत विद्या इसी को कहा जाता है ये जो रटने वाली प्रणाली है जो वर्षों से चली आ रही है एकदम परंपरा चली आ रही है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए उसमें ठीक है फाउंडेशन लिटरेसी होनी चाहिए और साथ ही साथ न्यूमरेसी होनी चाहिए उसमें संख्यात्मक ज्ञान होने चाहिए ऐसे राष्ट्रीय मिशन जो है वो बनाए जाएंगे और इस मिशन का उद्देश्य होगा कि वो जो है जो जो बेसिक जो स्कूल्स हैं बेसिक क्लासेस जो हैं उनको उनका आधारभूत कौशल जो है वो बढ़ाया जा सके उनका जो मूलभूत कौशल है उसका विकास विकास किया जा सके ये सब चीज़ों को करने का लक्ष्य जो है वर्ष 2025 तक रखा गया है और इसमें बताया गया है कि कक्षा तीन स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा यानी वो जो आप जिसको आंगनवाड़ी वाला सिस्टम जो बोलते हैं वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने का यहाँ पर बात करी जा रही है ठीक है क्लियर हो जाती बात यहाँ तक शायद सबको आ, इसके अलावा अगर देखा जाए तो नई शिक्षा नीति यानी जो ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें बहुत सारी चीज़ों को मतलब चेंज करने की बात कही गई है अगर यहाँ पर हम देखें आ, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर बताना चाहता हूँ तो इसमें ज़रा देखते हैं इस पॉइंट को कैसे ऐड करेंगे इस पॉइंट को भी समझिए क्योंकि एक दो पॉइंट बहुत अच्छे यहाँ पर मेरे दिमाग में आ रहे हैं तो उसको मैं आपसे शेयर कर देता हूँ जैसे कि कक्षा तीन तक के स्तर की तो यहाँ पर बात हो गई अगर हम क्लास फाइव तक के स्तर की बात करें तो भाषा के आधार पर अगर देखा जाए भाषा का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा सा इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ जगह का अगर यहाँ पर भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो कलर बदल के लिखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा भाषा के बारे में ध्यान रखते हुए एक विशेष बात यहाँ पर करी गई है कि कक्षा पाँच तक की जो शिक्षा है क्लास फिफ्थ तक की जो शिक्षा या ग्रेड फाइव तक की जो शिक्षा है आप ध्यान दीजिएगा इसी को कक्षा पाँच तक की जो शिक्षा है उसमें मातृभाषा उसमें मातृभाषा या फिर या फिर स्थानीय या फिर स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा इसमें अध्ययन कराने पर बल दिया जा रहा है यानी कि किसी भी लैंग्वेज को बरबस जो है वो थोपा नहीं जा रहा है और मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि लैंग्वेज जो है वो किसी के ऊपर थोपी नहीं जानी चाहिए जैसे वर्तमान शिक्षा नीति में अगर देखा जाए तो तमाम जगहों पर कहीं पर इंग्लिश मंडेट्री है कहीं पर हिंदी मैंडेट्री है कहीं पर संस्कृत मैंडिट्री है तो ये सब चीज़ें थोड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम अपनी संस्कृत का विकास अपनी भाषा में सबसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं इसके अलावा ये भी विचार किया गया है कि कम से कम पांच तक तो ऐसा हो ही हो और इस प्रणाली को हो सके तो संभव हो तो आठवीं क्लास तक भी लागू किया जाए ठीक है आठवीं क्लास तक भी लागू किया जाए और इसमें जहां पहले मूल रूप से हिंदी और इंग्लिश का विकल्प होता था यहां पर विकल्प के तौर पर संस्कृत को भी लागू करने की बात करी गई है कि आप जो है ऑप्शन के रूप में संस्कृत भी ले सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें भी रखी गई हैं ना सिर्फ इतना बल्कि आठवीं दसवीं और बारहवीं तक बच्चों के शारीरिक कौशल विकास के लिए शारीरिक कौशल विकास के लिए खेल कूद है योग है नृत्य है मार्शल आर्ट है तमाम प्रकार के दूसरे व्यायाम और गतिविधियाँ हैं उनको भी इंक्लूड करने की बात यहाँ पर कही गई है जिससे कि मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट भी शिक्षा नीति के अंतर्गत रखा जा सके और बच्चों के लिए ऐसा किया भी जा सके ठीक है तो ये सब चीज़ें भी शामिल हैं इसमें इसके अलावा तमाम सारी चीज़ें आपने देखी होंगी अपने जीवन में कि हम लोग जैसे हाई स्कूल इंटर के एग्ज़ाम आप लोगों ने दिए होंगे तो हाई स्कूल की क्लासेस में कुछ पढ़ाया जाता था उसके बाद प्रैक्टिकल्स वगैरह होते थे तो दोनों में काफ़ी अंतर होता था क्लास में कुछ पढ़ाया जा रहा है प्रैक्टिकल में कुछ हो रहा है कई स्कूल्स में तो सही तरीके से प्रैक्टिकल्स कराए भी नहीं गए केवल हम लोगों को लिखा दिया गया और कॉपी चेक करके उसमें नंबर्स दे दिए गए तो ये सब जो पैटर्न है ये सब जो सिस्टम है इसको बंद करने की बात कही गई है और कहा गया है कि कला विज्ञान और व्यावसायिक और शैक्षणिक विषय जो हैं इनका पाठ्यक्रम इस तरीके का बनाया जाए कि इनके प्रैक्टिकल और थ्योरिटिकल सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान जो है वो आसानी से मिल सके जिससे कि वो उसको एडॉप्ट करने में उसको परेशानी बिल्कुल भी ना हो और इसके ऊपर नई पॉलिसी बनाने के लिए एन को ज़िम्मेदारी दी गई है और एन इसके लिए नया स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगा तो नया रूपरेखा जब तैयार होगा तो इसको 2021 के अंत तक वर्ष 2021 के अंत तक एन को बोला गया कि नया तरीके का जो रूपरेखा है आप वो तैयार कर लीजिएगा ठीक है ये सब चीज़ें इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जो है उसको उसकी योग्यता को भी लाने की यहाँ पर बात करी गई है तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसका आपको ध्यान रखना है अगर हम हायर एजुकेशन की थोड़ी बात करते हैं बड़े उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी गई हैं कि जो डिग्री वाला कार्यक्रम है उसको चार वर्ष का कर दिया गया है तो डिग्री कार्यक्रम कितने वर्ष का कर दिया गया है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है डिग्री कार्यक्रम जो है डिग्री कार्यक्रम डिग्री कार्यक्रम जो है वो चार वर्ष का कर दिया गया है और चार वर्ष में भी आपको ऑप्शन दिया गया आप किसी भी वर्ष जो है डिग्री का प्रोग्राम पढ़ाना जो है वो पढ़ाई जो है वो छोड़ सकते हैं और उसका आपको सर्टिफिकेट बाकायदे मिल जाया करेगा ठीक है चार वर्षीय उसको रखा गया है ठीक है वो वो भी आपको मिल जाया करेगा जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि सपोज दैट आपने आ, तीन वर्ष की डिग्री होती है कहीं चार वर्ष की डिग्री होती है और सपोज दैट किसी व्यक्ति ने आ, एक साल बाद जो है वो स्नातक छोड़ दिया तो उसको एक साल बाद का प्रमाण पत्र मिल जाएगा किसी ने दो वर्ष बाद छोड़ा तो उसको एडवांस डिप्लोमा का मतलब एक वर्ष में तो साधारण प्रमाण पत्र मिल जाएगा उसको ठीक है प्रमाण पत्र दो वर्ष में जाएगा दो वर्ष बाद छोड़ेगा तो डिप्लोमा मिल जाएगा उसको फटा पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तीन वर्ष में अगर छोड़ेगा तो उसको वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो स्नातक की जो है वो डिग्री मिलेगी स्नातक की डिग्री मिलेगी और अगर चारों वर्ष कम्प्लीट करने के बाद वो छोड़ेगा तो उसको शोध की डिग्री जो है वो प्राप्त हो जाएगी तो इस तरीके से अलग अलग स्टेजेज़ में किसी भी स्टेज में उसको एंट्री इन एंड आउट का जो सिस्टम है इन आउट सिस्टम जो है वो करने की यहाँ पर बात करी गई है डिग्रीज़ को लेते हुए और साथ ही साथ दो तक हंड्रेड युवा और प्राण साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक वर्ष 2030 तक युवा एवं साक्षरता प्रौढ़ साक्षरता का रेशियो जो है वो 100 परसेंट रखने की बात इस नई शिक्षा नीति में कही गई है इसके अलावा एक कमीशन का गठन किया गया है जो है एच ई सी आई ठीक है एच ई सी आई का गठन किया गया हुआ है जो कि मतलब इसको आप कह सकते हैं भारतीय उच्च शिक्षा आयोग ठीक है भारत की उच्च शिक्षा आयोग यानी एच ई सी आई जो है वो किस प्रकार से कार्य करेगा उनके चार प्रमुख निकाय हैं वो चार प्रमुख निकायों में पहला निकाय आपको यहां दिख रहा है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियमावली परिषद नेशनल हायर एजुकेशनल रेगुलेटरी काउंसिल एक तो ये है दूसरा आपका जी है यानी जनरल एजुकेशन काउंसिल है तीसरा जो है आपका ये एन है नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल है ठीक है प्रत्यापन परिषद है और इसके अलावा चौथा आपको मिलता है यहाँ पर एच यानी हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल तो ये अलग अलग लोग इन सभी के इन सभी काउंसिल्स के अलग अलग कार्य होंगे किस प्रकार के अलग अलग कार्य होंगे वो भी इनके सामने यहाँ पर लिस्टेड हैं आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं जैसे अगर हम एन uh, की बात करते हैं तो एन एच ये जो है ये क्या करेगा शिक्षक शिक्षा सहित यानी कि टीचर्स की एजुकेशन सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए नियामक का कार्य करेगा रेगुलेटरी का काम करेगा राइट दूसरी पॉइंट यहां पर करी गई है कि जीईसी क्या है ये उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढांचा तैयार करेगा यानी उसके मानक का निर्धारण करेगा कि उच्च शिक्षा के मानक जो है वो क्या होने चाहिए एन की अगर हम बात करते हैं तो ये संस्थानों के प्रत्यान्वयन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों सार्वजनिक व स्व प्रकटीकरण स्वशासन और परिणामों पर आधारित होगा और लास्ट में अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद मिलता है या निकाय कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों के लिए वित्त पोषण का कार्य करेगा फंडिंग का काम करेगा फाइनेंस का काम करेगा तो इससे जो है हमारी जो शिक्षा नीति है थोड़ी बहुत महंगी तो हो सकती है लेकिन बहुत ही सुदृढ़ रहेगी ये आपको यहाँ से देखने को मिलता है तो ये कुछ विशेष चीज़ें थीं जो हमारे अगर देखा जाए तो उच्च जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके प्रमुख पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपके ऊपर डिस्कस किए हैं अगर लास्ट में कंक्लूड किया जाए तो हमको ये पता चलता है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के जो भारत की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको शिक्षा प्रणाली में बदलाव के रूप में लागू ज़रूर कराया है और उसको मंजूरी भी दे दी है लेकिन मुद्दा ये है कि अगर इसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो गया अगर इसका इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो जाता है तो बिल्कुल मान के चलिए कि नई शिक्षा प्रणाली भारत के भारत को कहीं ना कहीं विश्व पटल पर एकदम अग्रणी स्थान पर लेकर के आएगी सबसे आगे लेकर के आएगी लेकिन बस बात वही है कि इंप्लीमेंटेशन सही से हो है ना इसके अलावा आपको मालूम ही है कि इसमें तीन से अट्ठारह साल तक के बच्चों को इस शिक्षा नीति के अंतर्गत रखा गया जो पहले छः से अट्ठारह होते थे अब उनको कितने से अट्ठारह कर दिया गया तीन से अट्ठारह के वर्ष में रखा गया तो तमाम सारी चीज़ें इससे स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू किया गया थ्री डी मशीन्स को इंट्रोड्यूस इंट्रू, किया जाएगा डेटाज़ के तमाम प्रकार के विश्लेषण वगैरह मतलब आपको की सुविधाएँ जो हैं वो उपलब्ध रहेंगी आपके पास में तमाम लोग ऐसे शिक्षित होंगे कि वो एक पेशेवर और कुशल मतलब युवाओं के रूप में रहेंगे जिनको रोज़गार के अवसर जो है वो हमेशा मिलेंगे या फिर वो रोज़गार सृजन करने में सक्षम होंगे इस तरीके से नई शिक्षा नीति को डेवलप किया गया है तो दोस्तों इस शिक्षा नीति को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा समझिएगा पढ़िएगा और इससे संबंधित पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम में ज़रूर दे दूँगा उसको पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ठीक है और साथ ही साथ अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं और अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो इन बैंक्स खाते पर अपना जो है अनुदान अवश्य दे सकते हैं अदरवाइज आप केवल शेयर करके केवल इस लेक्चर को शेयर करके भी आप अपना अनुदान कर सकते हैं आपकी शेयरिंग भी आपके अनुदान के रूप में ही मानी जाएगी तो आज के इस लेक्चर में इतना ही फिर मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद